हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ शाहजहाँपुर, तो देखिए ट्रेन पूरी खाली है। टाइम हो रहा है 6:45 AM और ट्रेन का नाम है राज्य रानी एक्सप्रेस, जिस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ। और अब मैं शाहजहाँपुर स्टेशन पर पहुँच गया हूँ, तो देखिए शाहजहाँपुर स्टेशन के व्यू काफ़ी नीट एंड क्लीन है। शाहजहाँपुर स्टेशन, और अब यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, स्टेशन से बाहर की तरफ जाते हैं। आजकल रोडवेज बस स्टैंड से इलेक्ट्रिक बसें भी चल रही हैं शाहजहाँपुर के अंदर। और यहाँ पर आपको आने के बाद बाहर रिक्शा, ऑटो, सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। और यहाँ से रोडवेज बस स्टैंड मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब चल दिए हम चाय ढूँढने, तो कि चाय कहीं मिल जाए ना। ये चाय बना तो रहा है, चाय बना रहा है। कोहरा यहाँ ऐसे रहता है क्या भाई? रोज कोहरा यहाँ ऐसे रहता है क्या? हाँ तो कुछ रहा है, ज़्यादा रहता है। क्या रहा है? कोहरा ही कोहरा है, शिमला बना पड़ा है, ज़्यादा ही कोहरा हो रहा है। दूध देखने चल रहे हैं, दूध कहीं मिल जाए हमें। दूध मिलेगा, पानी भी मिलेगा। दूध में पानी है, बंद ही है सब दुकान है, सारी दुकान लगभग बंद पड़ी है। कितनी से स्टार्ट हुई है? धीरे हाँ खुली रही है धीमे धीमे। ये पेड़ भी सही बना दिया डिजाइन। और अब हम चल दिए हैं हनुमान धाम मंदिर की तरफ, जो कि काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का। और अभी हम बैठे हुए हैं इलेक्ट्रिक बस के अंदर, तो आप इलेक्ट्रिक बस का व्यू देखिए। और काफ़ी फॉग है यहाँ पर अभी शाहजहाँपुर के अंदर। अभी हम आ गए हैं हनुमान धाम शाहजहाँपुर के अंदर, जो कि काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का। यहाँ स्टार्टिंग हो गई है भाई, कुछ पता है इसके बारे में? नहीं। और ये हनुमत धाम की मार्केट है, यहाँ बच्चों के लिए खिलौने, माला, प्रसाद आदि चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। आइए बता लेना, आइए फॉग ज़्यादा आ रहा है। क्या बोल रहा था? जाइए। अच्छा। रास्ता है जाने का है? आज काफ़ी फॉग है, तो व्यू चलता है। Yeah.
तो यहीं से एंट्रेंस है क्या सी? ये क्या बन रहा है आगे? इसी की हो रही है क्या कंस्ट्रक्शन? अच्छा एक ही बार आया, ज़्यादा बार नहीं आया। अच्छा अच्छा ना रखा है, एग्जिट में जा रहा है क्या? कितना एरिया में फैला हुआ है पता कुछ? बहुत देख ले कितना होगा लगभग, घंटा होगा। हाँ बड़ा तो काफ़ी लग रहा है यार। ये हनुमान धाम शाहजहाँपुर में स्थित है। तुम लोग बाहर मत जाओ, यहाँ मैं अंदर मत जाओ। हाँ अब हमारे वो हैं, वो अगर नहाएंगे वो मोटर पानी बनाएंगे। उठे नहीं हैं बनना होगा। ये बना भैया, ओ भैया, ओ बाबू जी, ओ भैया, भैया कैसा लगा तू बता? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, जगह बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है। नहीं दिखा कितना बढ़िया है। अभी निर्माण चल रहा है अभी। यहाँ कौन सी नदी है? रामगंगा है। कौन सी? रामगंगा। रामगंगा सामने अभी निर्माण चल रहा है मंदिर का। अभी देखिए अभी अधूरा है। और सामने हनुमान जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति है। और ये सामने मेन हाईवे। पूरी घाट ही है इस तरीके से। क्यों हम ऊपर चल रही है मंदिर? काफी बड़ी मूर्ति है ना।
जा वैसे काफी बड़ी मूर्ति है और दोस्तों देखिए हनुमान जी का गदा और ये साइड के व्यू तो मैं कुछ और दे रहा हूँ मैं पूरा वो व्यू दे रहा हूँ हनुमान जी का जो देखेगा हमसे पता चलेगा साथ में फ्रेंड आया हुआ है आज और ये हनुमान धाम की मार्केट है दोस्तों जो आप देख रहे हैं इस समय देखिए कितनी शानदार मार्केट है Thank you.
अब बाहर की ओर चल दिए गाइस। तो बस यही था हनुमत धाम, तो बढ़िया रहा एक्सपीरियंस है यार है यहाँ का। और यहाँ पर आप कितने भी फ़ोटो खिंचवा लो आपको खिंचवाते ही जाओगे फ़ोटो। और काफ़ी हम काफ़ी देर तक रहे, उसके बाद भी मन नहीं भरा, यहाँ कुछ अलग ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है यहाँ पर। और दोस्तों ये शाहजहाँपुर का रामलीला ग्राउंड है, यहाँ पर रामलीला होती है शाहजहाँपुर में, सामने देख रहे हैं आप। अरे पीछे बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑफिसर। मार्केट है, सब जगह दिखना चाहिए, मार्केट भी सब दिखानी चाहिए। अब दोस्तों हम वापस चल दिए हैं मेरठ की ओर, और देखिए रात के समय शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन का व्यू। ये आ गए हम स्टेशन में, हम देख कर ये सारा व्यू शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन का काफी। और एक ट्रेन जा रही है और यहाँ पर काफ़ी साफ़ सुथरा है, ये रेलवे स्टेशन काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और ये देखिए साथ में हिंदी पुस्तकालय, और यहाँ काफ़ी फैसिलिटी हैं वॉशरूम से लेकर के पानी पीने तक के लिए सब सामान यहाँ मिल जाता है। काफ़ी अच्छा स्टेशन रहा ये, जो कि आप देख ही रहे हैं। तो बस यही है